भदौरिया समाज के संस्थापक रावेंद्र सिंह भदौरिया इंदौर से अल्प प्रवास पर शनिवार को गुना आए। वह आरोन में शगुनाई ग्राम पंचायत में निर्विरोध चुने गए सभी पंचों सह सरपंच पर बधाई देने दस्यु सम्राट दद्दा मलखान सिंह से मिलने पहुंचे। उस दौरान उन्होंने संगठन को लेकर भी बातचीत की। मलखान सिंह दद्दा और रावेंद्र सिंह ने भदौरिया साम्राज्य संगठन को लेकर विस्तार से राजधानी चैनल से बातचीत की और वरिष्ठ पत्रकार कैलाश मंथन इस दौरान खास तौर पर मौजूद रहे। उनके अलावा रवि भदौरिया, सोनू तोमर, मोनू तोमर ग्वालियर से आदि लोग मौजूद रहे। गुना से गजेंद्र श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हम 15 साल सांसद से लड़े, पुलिस से लड़े, तो हम गरीब हो गए। जैसे गरीब हो गए, हमारे पास कुछ सारा परिवार छिन्न भिन्न हो गया, जमीन बिक गई, मकान टूट गए, बर्बाद हो गए। में कोई मंजिल थोड़े होते थे, नोट मिलती थी। अपने हथियार अपनी व्यवस्था बचाने में हर आदमी जैसा लड़ाई सच्ची ईमानदारी की थी। ऐसी नहीं थी कोई अपने धंधे की ना हमने कमाई की। बस हमारे टाइम पे बैन बेटी कालपी तक लगाए थे। हमने रात में 12 बजे रात को निकाला, कब एकदम देंगे शासन से निकाल कर पूरा भराव से लगा के कहीं कोई बता दे किसी को। तो हर चीज का मतलब वो होता है जो कुछ चीज नहीं हो पाई आज तक। एकता होगा, आप जैसे आपने बताया कि 30 गांव भदौरियन के बिहार में, आज तक कोई नहीं जानता था बिहार में। ऐसे हर जगह कश्मीर तक मिलेगी जब पुष्टि होगी। अब घूमना पड़ेगा, जानकारी करनी पड़ेगी। उसमें साथ में आप भूपत सिंह है, कोई भी है, अपना परिचय पूछा। उन्हें अपना परिचय बताया, उन्होंने कहा मैं दिल्ली नरेश से हैं, पृथ्वीराज आप अपना परिचय बताया। कैसे हमारे पिता में रह रहे, हमारा राज्य छीन लिया और इस तरीके से तुम बहुत बड़े बहादुर हो। उनके पिता से मांगा कि ये लड़के को हम दे दें। हम इसी के दम पे रह रहे हैं। ये सिंह को उनको गद्दी दे दी, कच्छ में गद्दी, यानी दो भाई थे तीन। और यहाँ हमारे किसी को ले आए कहाँ, अपने दिल्ली। और पहले नंबर इनको अजमेर का बंदोबस्त बंदोबस्त, तो उसमें वसूली नहीं हो रही थी, कोई क्षत्रिय तैयार नहीं था इस बंदोबस्त में। अगर कोई काम कर पाए, पैसा पड़ा था उनका, वसूली नहीं हो रही थी। तो शुरू नंबर में उनको बंदोबस्त का वो बनाया था, वहाँ भेजा था। तो सारा पैसा महाराजा कृष्ण ने दिया। तब इनको फिर सामान उस सेना के ऊपर सामान तो उनकी। फिर इसके बाद उदल से भी लड़ाई हुई महुआ में, वहाँ भी जीत गए, बराबर साथ दिया। अकेले को पृथ्वीराज को इतना साथ देने के बाद उनने कहीं उनका इतिहास नहीं रखा। महुआ में आला मारे, उदल मारे गए, आला तो नहीं, आला तो आज भी अमर है। तो महाराजा कृष्ण सिंह हर जगह पे लड़े पृथ्वीराज के साथ। अकेले चौहान रखा तो ये साम्राज्य साम्राज्य एकता समिति का बहुत बड़ा गठन होगा। और हमारे 28 तारीख को हमारे ग्वालियर में जो एक प्रोग्राम है भदौरिया एकता समिति का, उसमें हमारे महाराजा राजा हरदमन सिंह भी राव हाउस से ग्वालियर पहुंचने वाले हैं। और उनके लिए हम सभी लोग 22 तारीख को उनको निमंत्रण देने के लिए जाएंगे। निमंत्रण को स्वीकार कर हम सभी लोगों में भी जाएंगे और इस एकता में दीपक जलाने का कार्य करेंगे। वो हम सभी लोग एक समाज के लिए कितना ऋणी रहेगा पूर्ण कभी नहीं निकाल पाएगा। मैं रावेंद्र सिंह भदौरिया, संस्थापक भदौरिया साम्राज्य मंच एकता समिति, धन्यवाद भदौरिया साहब। हमारे परम माननीय अध्यक्ष से निवेदन करूंगा कि वे आज इस अवसर पर जहाँ तक भदौरिया राजवंश का सवाल जो है वो बहुत बड़ा गहरा है। कोई किसी बेटी को बचाने में जब तक कोई क्षत्रिय राज परिवार का हो गए वही बचा सकता है। चलते रास्ते में कहीं कोई नहीं बचा सकता। इससे भदौरिया वंश का हम लोगों का एक रिश्ता है, बहुत बड़ा गहरा है, उसको अभी तक उसका पुष्टि नहीं हो पाई। और पूरी तौर से इतिहास को
भदौरिया राजवंशा भी उजागर नहीं कर पाया। मात्र एक मामा की छाप खाली नहीं, अरे गूढ़ बात को नहीं देखा, कहां से क्या साका चली, क्या हुआ, कैसे बचाया गया, क्या हुआ, कितने लोग मारे गए। जैसे भूपत सिंह है, उसके महाराज ने जब वो अटेर के लाश से ईपी को मतलब प्रवेश कर रहे थे, उन्होंने ये कहा था कि मामा बताइए क्या चाहते हो आप, जो अभी हम महाराज को लिए बैठे। उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं चाहते, तो उन्होंने कहा सात जागीरें दी थी उस वक्त महाराज ने, बनवरिया, परिछतपुरा, जमसारा, फरार, अटेर, ये सात, उसमें क्या ना सात जागीर इसको हमको दी थी। अब भूपत सिंह का अलग है, सबका एक एक अलग। उन्होंने यही कहा था कि बहुत मर्द हो महाराज ने, तुम जैसा मर्द कोई नहीं है, जो मतलब आज हम मतलब आज